श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में और उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे हैं, 1952 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1962 से लेकर 1967 तक थे। उसके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से लेकर 1969 तक। फिर आए बी वी गिरी रहे 1969 से लेकर 1974 तक। फिर आए फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977। फिर आए नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से लेकर 1982। फिर आए ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से लेकर 1987। फिर आए आर वेंकट रमन, 1987 से लेकर 1992। फिर आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से लेकर 1997 तक। फिर आए के आर नारायणन, 1997 से लेकर 2002। फिर हमारे फेवरेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक। फिर आई हमारी महाराष्ट्र की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, 2007 से लेकर 2012 तक। उसके बाद अब आज के टाइम में हैं प्रणब मुखर्जी। हम आपको बताते हैं हमारे राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो चलिए हम आपको भारत के राष्ट्रपति पद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य बताने वाले हैं। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या नहीं देने के निर्णय लेने को सीमा का अभाव के कारण राष्ट्रपति JB वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा दें, तो JB वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है कि 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी सर्वप्रथम आपको बता देते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। नियुक्ति संबंधी अधिकार राष्ट्रपति जो करते हैं वह है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की अन्य सदस्यों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्जातीय परिषद के सदस्य, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, 10 संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों और वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूत और अन्य राजनयिक, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है, इसे विधायी शक्तियां प्राप्त होती है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, लोकसभा के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद के निम्न जो विधेयक हैं उसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति पास कर सकते हैं। धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्यहित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंध लगाने वाले विधेयक, ये सारे के सारे हमारे राष्ट्रपति जी काम करते हैं। संसद सदस्य के मनोनयन के अधिकार, जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकते हैं। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकते हैं। उनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं। तब दोनों सदन सत्र में होते हैं, तब राष्ट्रपति को शक्ति नहीं होती है। जहां तक सैनिक शक्ति का सवाल है तो सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किंतु इसके प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। जहां तक राजनीतिक शक्ति की बात है तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है उनके पास। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। आपातकाल में संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्री पद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। युद्ध या बाह आक्रमण पर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात और वित्तीय आपात। तो ये हुए राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। अब हम उनके बारे में कुछ और ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जहां तक उनकी योग्यता का सवाल है तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण किया जाता है। अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति 5 दशाओं में 5 वर्ष से पहले त्याग दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा 2 महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, ये एक हो गया।
राष्ट्रपति पर महायोग महाभियोग भी लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, उसके दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पारित होता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि जो 5 वर्ष का है समाप्ति से हुई, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, किंतु यदि उसे पूरा करने के पहले विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए। इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो इतनी सारी चीज़ें हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बताए हैं जो कि काफ़ी सारी हैं, तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से कोई भी सवाल पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि पद निर्धारण या पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।